हेलो एवरीवन, आई एम जसलीन कौर फ्रॉम एसओई। तो फाइनली क्लास 12 का जो रिजल्ट है वो आउट हो चुका है। बहुत से स्टूडेंट्स से उसके इंतजार था, उनका इंतजार खत्म हो चुका है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स को अपनी परसेंटेज पता चल चुकी है कि उन्होंने कितनी परसेंटेज गेट की है 12th में। तो अगर आपकी अगर हाई परसेंटेज आ रही है तो हाई परसेंटेज के अकॉर्डिंग अगर आप क्राइटेरिया को, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे, अगर आप जो कोर्सेज लेके चल रहे हैं, तो आप किस तरीके से आगे अच्छा कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, उसके लिए आपको रिक्वायरमेंट होती है प्रॉपर गाइडेंस की, प्रॉपर एडमिशन प्रोसेस की। और अगर सेम एज अगर किसी स्टूडेंट्स की परसेंटेज अच्छी नहीं आई है या लो परसेंटेज है, तो उनको भी अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं कि आप अदर ऑप्शन कौन कौन से लेके चल सकते हैं, कौन कौन से कॉलेजेस को कवर करके चल सकते हैं। अगर आप CUET को कंसिडर करें तो CUET का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है, अगर आपने उसको फॉलो किया है तो डेफिनेटली आपको अच्छे कॉलेज में सीट मिल सकती है। अगर किसी स्टूडेंट्स का CUET के अकॉर्डिंग 12th में कम परसेंटेज आ रहा है, तो आप अदर यूनिवर्सिटीज़ कौन सी कवर करके चल सकते हैं। सेम है IP यूनिवर्सिटी को अगर आप कंसीडर करके चल रहे हैं, तो IP यूनिवर्सिटी में आपकी कितनी परसेंटेज होनी चाहिए 12th में। तो अगर किसी स्टूडेंट्स की 12th में कम परसेंटेज आई है, तो वो अदर यूनिवर्सिटीज़ को कौन कौन से कवर करके चल सकते हैं। और अगर आप आगे जो अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे, एंट्रेंस एग्ज़ाम में अगर आप अच्छा स्कोर गेट कर करते हैं, तो अच्छे स्कोर के अकॉर्डिंग आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हो सकता है। अगर आपने लो स्कोर किया है, तो लो स्कोर के अकॉर्डिंग आपको किस तरीके से कॉलेज अलॉट हो सकता है। आगे आने वाली चॉइस फिलिंग, चॉइस ऑर्डर काउंसलिंग राउंड में पार्टिसिपेट करना, पार्टिसिपेशन में डॉक्यूमेंट्स की कौन कौन सी रिक्वायरमेंट रहने वाली, इन सभी के लिए आपको रिक्वायरमेंट एक प्रॉपर गाइडेंस की। अगर आप प्रॉपर गाइडेंस से चलते हैं, तो डेफिनेटली आपको अच्छी सीट अलॉट हो सकती है। उसके लिए आप हमारे सेंटर पर विजिट कर सकते हैं। दिल्ली में हमारे 3 सेंटर्स हैं, पश्चिम में, जनकपुर, पीतमपुरा। आप अपने नियर बाय सेंटर पर विजिट करके SOE के साथ जुड़ के अपना एडमिशन प्रोसेस करवा सकते हैं। और आप कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि आपके 12th में कितनी परसेंटेज आई है। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियोस को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, ताकि आगे आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे।